नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी खबरों के डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1114 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 12 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। दिल्ली में इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 6908 है, जबकि कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2.28% है। पिछले 24 घंटे में 2079 मरीज डिस्चार्ज हुए। राजधानी के कुछ इलाकों में पानी की समस्या रहने वाली है। बुधवार सुबह पानी की सप्लाई बंद रहेगी, यानी नलों में पानी नहीं आएगा। कुछ मरम्मत के काम के चलते ये दिक्कत पेश आएगी। दिल्ली जल बोर्ड ने ये जानकारी दी है। बोर्ड ने लोगों को असुविधा के लिए खेद जताया है। बोर्ड ने बताया है कि वॉल्व और फ्लो मीटर लगाने का काम होने के कारण पानी की सप्लाई उपलब्ध नहीं होगी। अगर आया भी तो उसका प्रेशर बहुत कम होगा। इससे जो इलाके प्रभावित होंगे उनमें रोहिणी सेक्टर 7, 8, 9, 11, 13, 22, 23 और 25 शामिल है। इसके अलावा मधुबन चौक, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, कराला, कांझावाला, पश्चिम विहार, मेजर भूपेंद्र सिंह नगर, महावीर नगर, कृष्णा पार्क, तिलक नगर, नगरपुरी और आसपास के इलाकों में भी असुविधा रहने वाली है। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना एक बार फिर शुरू होने जा रही है। कोरोना वायरस के कम होते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। करीब 1.5 महीने के बाद दिल्ली में 14 फरवरी से मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत पहली ट्रेन 14 फरवरी को द्वारकाधीश जाएगी और दूसरी ट्रेन 18 फरवरी को रामेश्वरम जाएगी। रामेश्वरम और द्वारकाधीश के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किए हैं। फरवरी की शुरुआत में दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा विकास समिति के अध्यक्ष कमल बंसल ने कहा था कि कोरोना वायरस के मामलों की संख्या तेजी से कम हो रही है और अब मंदिर खुल गए हैं। हमने रेलवे अधिकारियों से बात कर 10 फरवरी के बाद ट्रेनों के संचालन की मांग की है। बंसल ने कहा था कि ज्यादातर वरिष्ठ नागरिकों ने द्वारकाधीश और रामेश्वरम जैसे धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जताई है, जहाँ मंदिर आगंतुकों के लिए खुले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी को फिर से खोलने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने वीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स प्रदर्शन के लिए पहुंचे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा, हम यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं मगर 60% से ज़्यादा स्टूडेंट्स दिल्ली के बाहर के हैं। हमें हॉस्टल वगैरह के इंतजाम को भी देखना होगा। कॉलेजों का ये भी कहना है कि उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के तहत कॉलेज को तैयार करने के लिए भी कुछ वक्त चाहिए। कैंपस खोलने के लिए प्रशासन काम कर रहा है और जब भी हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को 1 हफ्ते 10 दिन का वक्त देंगे ताकि वे घबराए नहीं। दिल्ली में शराब के शौकीनों को जल्द ही शराब का नया अनुभव मिल सकेगा। फ्रूटी की तरह टेट्रा पैक में दिल्ली में भी अब शराब मिलेगी। दिल्ली में इस तरह का पहला प्रयोग होने जा रहा है। आबकारी विभाग ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। इस तरह के ब्रांड की अप्रैल से संख्या बढ़ेगी। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में अब तक 700 ब्रांड रजिस्टर हो चुके हैं। दिल्ली में शराब का कारोबार अब पूरी तरह निजी हाथों में चला गया है। दिल्ली में 849 में से अब तक शराब की 552 दुकानें खुल चुकी हैं। दिल्ली में अभी तक कुल 692 ब्रांड रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसमें विस्की के 219, वाइन के 216, बियर के 88, रम के 46, वोडका के 67 और ब्रांडी के 6 ब्रांड शामिल हैं। इसमें एक टेट्रा ब्रांड भी शामिल है, इसे भी बाजार में उतारा जा रहा है। कोरोना के पहली लहर में प्रवासियों के पलायन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। दरअसल महाराष्ट्र और दिल्ली के विपक्ष शासित सरकारों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहली लहर के दौरान दिल्ली में सरकार ने जीप पर माइक बांधकर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में गाड़ियां घुमाकर कहा कि संकट बड़ा है, भागो, और दिल्ली सरकार ने जाने के लिए उन्हें बसें भी दी। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इसका विरोध किया और प्रधानमंत्री के दावे को झूठा बताया। अब इस मुद्दे को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच ट्विटर पर भिड़ंत हो गई है। योगी ने लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। जिसके जवाब में सीएम केजरीवाल ने लिखा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो, जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च कर गए, टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। दिल्ली में किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर बीजेपी सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। बीजेपी ने किसानों की 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना देने की घोषणा की है। कहा कि दिल्ली सरकार किसानों से किए गए वादे को पूरा नहीं करती है तो दिल्ली देहात के किसानों के साथ मुख्यमंत्री निवास स्थान के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।
विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिधोड़ी और प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत ने किसानों की 12 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किसानों से वादा किया था कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया गया। किसानों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाने की अनुमति और बिजली के कनेक्शन देने की मांगे भी पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि हाल ही में बरसात से जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है उन्हें 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा तक नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि दिल्ली के किसानों को MSP का 50% अलग से भुगतान किया जा रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। इस मौके पर किसानों की अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का मुआवजा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ करने की भी मांग की गई है। DDA के दिसंबर 2021 में पुराने फ्लैट्स की स्पेशल हाउसिंग स्कीम की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। DDA के अनुसार पब्लिक की मांग और कोविड को देखते हुए लास्ट डेट को बढ़ाया गया है। स्कीम लॉन्च के समय इसमें अप्लाई करने की अंतिम तारीख 7 फरवरी थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया गया है। इस स्कीम में फ्लैट से भी कम आवेदन हुए हैं, जबकि DDA ने स्कीम में खास ऑफर दिए थे। इसके बावजूद कम रिस्पॉन्स मिलने की वजह से स्कीम की डेट आगे बढ़ाई गई है। स्कीम में 18,500 के करीब फ्लैट्स के लिए अभी तक कुल 16,000 ही आवेदन मिले हैं। आपको बता दें कि ये स्कीम पूरी तरह से ऑनलाइन है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी वीजा रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये आरोपियों के पास से अलग अलग देशों, खासकर यूरोपीय देशों के फर्जी वीजा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों के पास से कुल 225 पासपोर्ट और बड़ी संख्या में फर्जी वीजा स्टिकर बरामद किए गए हैं। दिल्ली NCR में बदल गया मौसम का मिजाज। देर शाम से ही कई इलाकों में बारिश होने लगी। 9 फरवरी यानी आज सुबह से मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है। इससे मौसम के तापमान में भी गिरावट होगी, मगर 10 फरवरी से मौसम सामान्य होने लगेगा। वेदर की रिपोर्ट के अनुसार इस दिन आसमान साफ रहेगा, धूप भी निकलेगी, दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।